कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। बहुत काफ़ी टाइम हुआ कि आप लोगों से बात नहीं हो सकी। बहुत जल्द बताऊंगा कि बहुत थोड़ा सा काम में मसरूफ़ रहता हूँ मैं, तो प्लीज़ एज यूजुअल जैसे आपसे बात होती है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा, इसको प्रमोट कीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये जुनेद के जाते ही घर के काम शुरू, डेली रूटीन, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और आज मुझे एक नई डिश ट्राई करनी है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, सो आज वो मैं ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। बस ये सारे काम निपटा लें, उसके बाद जो है वो रेसिपी भिंडी की है, मुझे भिंडी भी काटनी है अभी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ। सोचा था जुनेद के जाने के बाद सो जाऊँगी थोड़ी देर, बट बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। बस यही ख्याल आया कि नहीं, पहले सारे काम निपटा लें उसके बाद रेस्ट करेंगे, सो वही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे हैं। और अगर ये सब चीज़ें बेतरतीब पड़ी रहती हैं तो भी उलझन होती है। और आप अगर मौसम का हाल कुछ पूछें तो कुछ ऐसा है, हब्स फिर से हो चुका है और अभी मुझे कुरान शरीफ पढ़ना भी बाकी है। पता है गाइस, शेड्यूल के हिसाब से चले ना तो लाइफ बड़ी बेहतरीन चलती है, और कहीं आने जाने से अगर शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है तो समझ लें पूरा दिन का काम डिस्टर्ब हो जाता है। और पता नहीं मेरी शुरू से आदत रही है, मैं शेड्यूल बना के सारे काम करती हूँ। आज मैं सोच रही थी बैठ के बैकग्राउंड को भी साफ़ करना है, डस्टिंग करनी है। वैसे तो झाड़ती हूँ रेगुलर, बट ये है कि ब्रश से साफ़ करने से ना ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी डस्ट हटती है। बस ये काम समझ लें लास्ट मोमेंट पे है। इसके बाद मैंने भिंडी काटनी है, फिर कुरान शरीफ पढ़ूँगी और जिस वक्त भिंडी बनाऊँगी, आज भिंडी की नई रेसिपी है। ऐसे चल, जब आप मुझे भिंडी बनाते हुए देखते हैं, मैं प्याज भिंडी बनाती हूँ, बट आज थोड़ी सी चेंज है और इंशाल्लाह आप लोग उसे ट्राई करेंगे तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। जी गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में और हमेशा की तरह बिल्ली की वजह से मैंने जो है भिंडी में जिस वक्त मसाला ऐड किया है तो आपको बताया नहीं, बट डोंट वरी, मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। और आप इस भिंडी को थोड़ा बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं। सो मैंने इस भिंडी में ऐड किया है कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, 2 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा 4 गोश का मसाला, और ये अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने इसे सिर्फ पतीली में डाल के जो है फ्राई करना है, यानी हल्की आंच पे। बहुत यम्मी वाली रेसिपी है, डिलीशियस। काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मैंने आप लोगों को बतानी है। और ये तड़के की तैयारी है। आप सोच रहे होंगे आप स्ट्रेंज, तड़का किस चीज़ का? पहले आप देख लें तड़के के लिए मैंने आज क्या किया है। हावन दस्ते में मैं लहसुन और हरी मिर्चें कूटूंगी। उस दौरान मैंने भिंडी पे भी एक नज़र मार ली है, इसमें मैंने 2 छोटे टमाटर भी ऐड किए हैं। पहले होगा तड़के की तैयारी। फ्राई पैन में तेल गरम करके ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च मैंने ऐड करी है, वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च और लहसुन जो मैंने कूटा था। अभी किस चीज़ का तड़का है गाइस? तो इसमें मैंने जो है दही का मिक्सचर भी ऐड करना है। दही का मिक्सचर
मतलब दही में मैंने सिर्फ अचार, गोश्त का मसाला और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी देखिएगा, मैं इसी तड़के वाले ऑयल में फ्राई पैन में ऐड करूँगी। गाइस, कुछ ऐसे बन जाना चाहिए कि तुम्हें देखने वाले, यानी हमें देखने वाले, हमारी तरबियत करने वालों के हक़ में दुआ करें। मैं वही कोशिश करती हूँ। देख लीजिए, ये दही का मिक्सचर है और ये मैं ऐड कर चुकी हूँ। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त करने से। उम्मीद को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद ना हो तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। जनाब, मेरा दही का मिक्सचर विद तड़का हल्की आंच पे बन रहा है। मैं हैंड टू हैंड जितने बर्तन मैंने इस वक्त यूज़ किए हैं सब वॉश कर रही हूँ, बिकॉज मक्खियों को तो आपको बोल चुकी हूँ ओवर टाइम, डबल ओवर टाइम कर रही हैं। गाइस, अंधेरा बुरा नहीं होता, ये निशानी होता है कि इसके बाद जो सूरज निकलेगा वो हमारी ज़िंदगी को रोशनी और खुशियों से भर देगा। देखिए गाइस, मैंने दही का मिक्सचर भिंडी में ऐड कर दिया है। इसका क्या लुक है ये मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, ये उस वक्त दिखाऊंगी जब जुनेद आ जाएंगे और हम खाना खाने बैठेंगे। और ये देखिए, ये कहाँ बैठी है मेरे रूम के बाहर। कैसी बनी है एवन? फर्स्ट टाइम ट्राई किए, बहुत मज़ेदार है। नया नई रेसिपी है दही भिंडी। हाँ, दही भिंडी बेहतरीन है और कबाब कर सकते हैं हमारे खाने में। आमीन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग आपकी दुआओं से खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि आप लोग भी जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जस्ट लाइक एहतराम के दिन है, मेरे व्लॉग्स के अगर व्यूज़ भी कम आ रहे हैं तो मुझे टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग के साथ जो मसरूफियत मेरे साथ है वो मसरूफियत आपके साथ भी है। और अगेन बारिश आने वाली है, जुनेद से आज आपकी मुलाकात हो चुकी है और आज मैंने बनाई है दही भिंडी। रेसिपी देख ली मैंने, आपको बताया कि थोड़ा सा चेंज करना था और आज मेरे पास दही नहीं था, दही थोड़ा सा था और दही का पानी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी दही भिंडी बनानी है, दही भिंडी बनानी, क्योंकि दही भिंडी प्याज, भिंडी प्याज काफ़ी टाइम से बना चुकी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। और उसके अलावा आज की अच्छी बात तो ये है कि आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियोज़ भी देखते हैं और उसे पसंद करते हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं बोल रही हूँ ना गाइस कि आप लोग हो जो हमें कामयाबी तक पहुँचा सकते हैं। सो आज की अच्छी बात, जब आपकी मुखालिफत हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो इस यकीन के साथ सब्र कर लीजिएगा कि अल्लाह पाक आपको बहुत ऊंचा मकाम देने वाला है, यानी सब्र ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच गाइस, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में एहतराम वाले दिनों में, यानी बिलखसूस ये बहुत ही मुबारक दिन है, इनमें दुआओं में हमें ख़ास याद रखिएगा। बहुत जल्द आपको बताएंगे कि जुनेद कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपको दिखाऊंगी। आप लोग खुद सोचेंगे कि कितनी सेक्रीफाइस और कितनी मेहनत से हम लोग ये कर रहे हैं। अभी मेरा दिखाने ना दिखाने का मकसद भी है कुछ, इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। सो गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।